यस आ गए का? चलो फटाफट फटाफट आ जाओ। चलो यस आ गए, सारे के सारे आ गए। जल्दी यस गाइस, सब लोग आ गए। एक्चुअली थोड़ा सा इश्यू हो गया था, थोड़ा सा मतलब वो ओबीएस थोड़ा सा अपडेटिंग के लिए आया था, मैंने देखा ही नहीं था उसको। चलो यस आ गए, सारे के सारे आ गए। जल्दी सब लोग आ गए। एक्चुअली थोड़ा सा इश्यू हो गया था, थोड़ा सा मतलब वो ओबीएस थोड़ा सा अपडेटिंग के लिए आया था, मैंने देखा ही नहीं था उसको। यस वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है? चलो साक्षी वेरी गुड अपन बेटा, सॉरी थोड़ा सा तेरा टाइमिंग का इशू हो गया थोड़ा सा सब लोगों का। ओके बाकी भी लोग थे जो टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो गया, सॉरी फॉर दैट। ओके आगे चलता हूँ मैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आता हूँ। यस गाइज बात याद रखें, सबसे पहले हमने बात किया था कि जो कितने हैं टेंथ हमारे पास में क्या है, तो फाइलम होता है। टेंथ फाइलम में से हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पोरीफेरा के बारे में। देखो मैंने बात किया है पोरीफेरा, पोरी पोरा नहीं गया। ओके क्या बात किया, आपको दो चीजें ध्यान में आएगी, पोरी पोरा। ओके ये अलग बोलते हैं हम, ठीक है? तो ये कौन सा है ना, पोरी पोरा नहीं है, तो क्या है वो, पोरीफेरा है। एक्चुअली जो पोरीफेरा की अगर मैं बात करूं तो पोरीफेरा में क्या क्या आता है। ओके इसके अंदर देखो पोरीफोरा ये जो फाइलम आता है, फर्स्ट फाइलम आता है, फर्स्ट फाइलम जो पोरीफेरा है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इस फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे हैं। मतलब अगर उसके उसका जो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके अंदर सिलोम यानी कैविटी कैसी है, असिलोमेटेड है, उसके बाद में क्या है सिलोमेटेड है, ओके या ट्रू सिलोमेटेड है या सुडो सिलोमेटेड है ऐसा बोलते हैं हम। या उसके अलावा आपको ये भी मिलेगा उसके अंदर, जैसे कि उसका रेडियल सिमेट्री कैसा है, सिमेट्री कैसा है, रेडियल है क्या उसका, मतलब सिमेट्री कैसा, बायलैटरल है क्या, असिमेट्रिक है, तो ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इस ऐसे कुछ क्या है तो चीजें हैं जिसके बारे में हमें बात करना है, ठीक है? सो एक एक करके हम क्या करते हैं तो बात करते हैं, ठीक है? चलो तो मैं स्टार्टिंग में बात करता हूँ पोरीफेरा के बारे में। तो पोरीफेरा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, फाइलम पोरीफेरा के अंदर याद रखें इसका सब किंगडम आपको पूछा जाता है। जो लोग लेक्चर्स देख रहे हैं प्लीज एनसीईआरटी लेकर बाजू में ये लिख लो, आपका अगर एनसीईआरटी आपके बुक्स है तो एनसीईआरटी बुक्स में बाजू में लिख दो। चाहे देखो फाइलम के आगे आपको पोरीफेरा है, पोरीफेरा के आगे आपको सब किंगडम कभी कभी पूछा जाता है। So, क्या करना है आपको, सब किंगडम जो भी होगा वो सब किंगडम का नाम लिखना जरूरी है। तो सब किंगडम का नाम जो है वो याद रखे क्या, यस तो सब किंगडम जो उसका क्या है, तो पैराजोल है। ओके याद रखना, सॉरी पैराजोआ कहते हैं हम। सो पैराजोआ जो है ये क्या है, तो उसका सब किंगडम है, याद रखे। क्या बोला मैंने, सब किंगडम है। सो फाइलम पोरीफेरा सब किंगडम क्या है इसका, पैराजुआ। ओके याद रखना, अच्छे से याद रखे। तो पैराजुआ आपको लिखना जरूरी है। आपको पूछा जाता है कि पोरीफेरा का कभी कभी सब किंगडम क्या है, तो याद रखे आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में ही ये। देखो एक बात बताता हूँ, मैं आज ही आपका लेक्चर लेने वाला था बट वो ईद की वजह से थोड़ा सा नहीं ले पाया। ओके एक्चुअली कुछ लोगों ने बोला कि सर कल से ही स्टार्ट कर दो रीडिंग का सेशन, ठीक है? सो रीडिंग के सेशन मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा, तो उसमें आपको बता दूंगा कि एनसीईआरटी के अंदर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजों को हाईलाइट करना है, कहाँ पे कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सारी कल आपको मैं कल के लेक्चर में बता दूंगा। कल ये लेक्चर तो होगा ही होगा, इसके अलावा और भी लेक्चर्स होगा, ठीक है?
शायद मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में ही कोई लेक्चर डाल दूँ, ठीक है, मॉर्निंग में ही क्या करूँ तो इसका लेक्चर डाल दूँ एक रीडिंग का, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। मॉर्निंग में 8-9 बजे अगर डाल दिया तो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सब किंगडम पैराज हुआ, तो याद रखे इसका सब किंगडम कौन सा है, तो पैराज हुआ, ये याद रखना जरूरी है। एनसीईआरटी के बुक्स के अंदर ही लिखो सेपरेट, उसका नोट्स निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे नोट्स आपको मैंने ऑलरेडी दिया है, ओके, या जिन लोगों का सब्सक्रिप्शन है उसको मिल जाएगा, ओके, जिनको नहीं मिलेगा तो 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो कौन सा पोरी फेरा की, अगर मैं बात करूं तो पोरी फेरा क्या होता है, कैसे होता है, एक एक पॉइंट मैं यहां पे लिखता हूं। रॉबर्ट ग्रैंड नाम का जो साइंटिस्ट था, याद रखे, यस, रॉबर्ट ग्रैंड ने क्या किया था, ही वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश, इसने पहली बार एस्टेब्लिश किया था फाइलम पोरी फेरा। आपको क्वेश्चन पूछा था, काफी ये डीप में है, ओके, एनसीईआरटी लेवल जो होता है ये भी मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ओके, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन वर्ड टू अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो तो मैं कवर करके ही लूंगा, बट आपको जो बेसिक चीजें होना चाहिए वो बात, मतलब वो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका एम्स का एग्जाम होता है, देखो अभी एम्स जिपमर जो है एक ही जगह पे मर्ज हुआ है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है तो हाई लेवल पे आता है। अभी आपको अगर बता दूं, आप लोग एक एनटीए का भैया आता है, ऐप आता है एनटीए अभ्यास बोल के, तो वो डाउनलोड कर लो अभी से ही, तो एनटीए अभ्यास जो ऐप है उसके अंदर आपको लेवल पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है। तो एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है एक आधा चैप्टर, अभी वहां पे तो क्या है तो फुल सिलेबस ये है, फुल लेंथ ये है पेपर्स है, बट फिर भी आप रखो उसको कभी, एक एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं, थोड़ा सा उसका क्या करो तो आप उसके ऊपर काम करो, थोड़ा सा आधा एक घंटा 2-3 घंटा एक आधा वर्क करो एक आधा पेपर देख के, ताकि आपको पता चलेगा लेवल कैसा है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैं बताऊँ कि 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि वो बाहर से रहते हैं, ओके। लास्ट सेशन में मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो भी है, मैंने पहला वीडियो डाला था कि ये जो ऐप होता है इसके अंदर कितने क्वेश्चन बाहर के हैं, मैंने उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया था, तो आप वहां पे देखिए एक बार, ठीक है। तो ये जो रॉबर्ट, जिसका नाम है रॉबर्ट ग्रैंड जो है, उसने क्या किया था, तो पहली बार इसको एस्टेब्लिश किया था। सेकंड वन थिंग्स, अगर ये हम बात करते हैं पोरी फेरा के बारे में, तो इसका मीनिंग क्या होता है, पोरी फेरा क्या होता है, तो याद रखें पोरस पोरस और फेरस, पोरी फेरस, ओके, याद रखें। तो मैं पहली बार आपको ये बात बता रहा हूं कि पोरस जिसको हम कहते हैं या फेरस उसको बोलते हैं, पोरस, देखो पोरस ये वर्ड जब यूज करते हो ना तो पोरस का मतलब होता है होल होता है, ठीक है, होल होता है, या हम उसको छिद्र बोलते हैं, ठीक है, मराठी में छिद्र बोलते हैं उसको। तो ये जो पोरस होता है, फेरस होता है, इसको हम कहते हैं पोअर कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, पोअर कहते हैं, और क्या है तो पोअर बेरिंग जो फॉर्म्स होता है जिसको हम पोरस कहते हैं या उसको फेरा कहते हैं, ओके, फेरस कहते हैं। पोरी फेरा ऐसा वर्ड आया है, पोरी फेरा मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जिनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं तो होल होते हैं, जिनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं छोटे छोटे पोअर्स होते हैं, ऐसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर मिलता है तो उसको हम कहते हैं पोरी फेरा। ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब जिन एनिमल्स के ऊपर आपको छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं तो पोरीफेरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो देखते हैं एक एक करके हम क्या करते हैं इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं एक एक पॉइंट हम क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। चलो सेकंड वन थिंग्स, कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जस, ओके, आप सारे लोग एक बात बता दो, जो भी लोग इसको देख रहे हैं प्लीज एक काम आप जरूर करो कि क्या करो, जो आपके पास एनसीईआरटी होगा तो एनसीईआरटी निकालो, क्योंकि मैं लास्ट में जो एनसीईआरटी के ही निमो जो एग्जांपल्स है उसके इसके ऊपर निमोनिक्स दूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एग्जांपल कैसे याद करना है, ठीक है। सो पहला ये सब हम खत्म कर देते हैं, देन हम क्या करेंगे तो निमोनिक्स के बारे में बात करेंगे। सो याद रखे कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, देखो इसको ये जो होता है पोरी फेरा जो होता है इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं तो स्पॉन्जेस कहते हैं, तो ये बात आप जरूर याद रखें, कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, ठीक है। सेकंड वन थिंग्स, यस, देखो अगर मैं इसका अगर आपको स्ट्रक्चर्स दिखाऊं तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पाओगे, देखो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है ये जो है एक्चुअली पूरी फेरा है, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको इसके ऊपर होल्स मिलते हैं, इसका मैं डिसेक्शन आपको जरूर दिखाऊंगा, इसका डिसेक्शन वगैरह कैसे होता है बिल्कुल दिखाऊंगा, इसका डिसेक्शन मतलब अभी तो मैं डायरेक्टली नहीं दिखा सकता, प्रैक्टिकली आपको अपने पास अवेलेबल है ये, ओके, तो बट मैं आपको इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ इसका सेक्शन लेकर इसके ऊपर ही दिखा देता हूँ, ओके। चलो सेकंड वन थिंग्स, अगर मैं बात करूं जनरली ये जो होते हैं मरीन एनिमल्स होते हैं मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं तो ये आपको कहां मिलते हैं तो मरीन वाटर में मिलते हैं। अब मरीन वाटर का मतलब होता है जो साल्टी वाटर्स होता है जिसको हम सलाइन वाटर भी कहते हैं, तो ऐसे एरिया में आपको क्या होते हैं तो ये मिलते हैं, ओके, जनरली मिलते हैं। इसके फैमिलीज के वगैरह बारे में कभी कभी आपको पता होना चाहिए, बट मैं नोट्स के अंदर ये सारी चीजें दे दूंगा आपको, ठीक है। तो इसका जो फैमिली होता है पोटामोलोपेडी, याद रखना इसका नाम थोड़ा सा हेवी जाएगा आपको, पोटामोलोपेडिया, ओके, पोटामोलोपेडी इसका क्या है तो फैमिली है, जब डीईए लगता है तो समझ लेना है किसी ऑर्गेनिज्म के फैमिली का नाम है, ओके, कभी भी याद रखना है, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए यूजफुल है। साथ में इसको हम
स्पॉन्ज लेडी भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, स्पॉन्ज लेडी नाम से भी इसको जाना जाता है। तो स्पॉन्ज लेडी भी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फैमिली, आपको उसका पता होना चाहिए। कभी कभी ये क्वेश्चन साथ मतलब ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो होते हैं आपके लिए काफी वर्क करते हैं। ओके, इंक्लूड द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। देखो जो स्पॉन्ज लेडी फैमिली में जो होते हैं वो एक्चुअल में फ्रेश वाटर में मिलते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं आपके एनसीईआरटी पे ये लाइन मिलेगा आपको, जो स्पॉन्जेस होते हैं जब पोरीफेरा जो होता है विच इज मोस्टली फाउंड इन द मरीन वाटर एज वेल एज द फ्रेश वाटर, बहुत ओके मरीन वाटर में मिलेगा बट जनरली दे आर फाउंड इन अ मरीन वाटर। ओके, ये वर्ड आप याद रखिए। ठीक है, देखो यहां पे कुछ आपको इमेजेस वगैरह मिलता है। यस, ये काफी कलरफुल्स वगैरह आपको इमेजेस दिखाई दे रहा है, तो ये सब सारे पॉइंट्स हैं। ओके चलो, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एंड द सेसाइल एनिमल। देखो एक बात बताता हूं, ये जो होते हैं प्रिमिटिव एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। मतलब क्या है, तो प्राइमरी स्टेजेस में ये फॉर्म हुए हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब इसके अंदर जो सेलुलर जो कॉम्बिनेशन है एक से ज्यादा है, मींस मल्टीसेलुलर है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो ये सेसाइल एनिमल्स होते हैं। सेसाइल का मतलब क्या होता है, यस तो सेसाइल एनिमल्स की अगर हम बात करें तो सेसाइल में आपको पता है रिप्रोडक्शन के फॉर्म में आता है। आपको पता है कि सेसाइल फ्लावर होता है, उस तरह का होता है ये भी। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस तरह होता है मैं बता दूंगा सेसाइल के आगे किस तरह होता है एक्चुअल में। ओके, सेसाइल उनसे बताया भी दिया है कि सेसाइल का मतलब होता है इमोबाइल्स वगैरह हम बोलते हैं। इमोबाइल का मतलब होता है दे कांट बी मूव, मतलब उसके अंदर क्या नहीं होता है तो मूवेबल कैपेसिटी नहीं रहता है। ठीक है, सो इस तरह का कंडीशन आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स मिलकर दिखाई देता है, ये इस तरह के आपको स्पॉन्जेस वगैरह मिलते हैं। ठीक है, चलो, सम एनिमल्स आर द रेडियल सिमेट्रिकल एंड द सम आर द असिमेट्रिकल। लेकिन बात बताए पूरी फेरा की अगर मैं बात करूंगा तो पूरे पूरी फेरा में ओके कुछ जो एनिमल्स होते हैं आपको कैसे मिलता है तो उसके अंदर रेडियल सिमेट्री मिलता है। अब रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है अगर ये ऑर्गेनिज्म है अगर इसको हम कट कर देते हैं तो वो सिमिलर पार्ट में कट हो जाएगा। ओके, रेडियली। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है एक्चुअली ये रेडियल असिमेट्रिकल होता है, रेडियली असिमेट्रिकल होते हैं, साथ साथ में कुछ जो होते हैं वो असिमेट्रिकल होते हैं। तो एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स हो गए उसको आप हाईलाइट कर देना, वैसे आपको मैं ये सारी चीजें क्या करूंगा तो बता दूंगा। ठीक है, यस, ओके, चलो आगे चलते हैं। पंकज गुड आफ्टरनून, ओके चलो हो गया ये, यस। नेक्स्ट वन थिंग्स, यहाँ पे कुछ आपको इमेजेस दिखाई दे रहे हैं रेडियली सिमेट्रिकल, ये मिलते हैं आपको। ठीक है, अगेन कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यस असिमेट्रिकल। आपको देखो ये जो होता है ये जो आपको दिखाई दे रहे रेडियल सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे हैं, और ये जो होता है असिमेट्रिकल, मतलब इसका सिमेट्री हम नहीं निकाल सकते। देखो इसको अगर मैं कट करता हूँ ऐसा, ओके, मतलब इसको अगर मैं लेकर ऐसा ये कट कर देता हूँ तो इसके चारों मतलब चार भी पार्ट जो मिलेंगे इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, बट अगर मैं इसको करूँ तो इसका कोई पार्टीशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये बात आप जरूर याद रखिए। मतलब ये जो होते हैं रेडियली कैसे होते हैं असिमेट्रिकल होते हैं, तो कुछ जो पॉन्जेस होते हैं रेडियली असिमेट्रिकल होते हैं, कुछ जो पॉन्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं तो सिमेट्रिक होते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट वन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, तो इसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुछ आपको चीजें बता देता हूं मैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, डायग्राम हां मिलेगा आपको, डायग्राम वगैरह नहीं अगर दिखाई दे रहे तो। दस वन सेकंड, डायग्राम नहीं दिखाई दे रहेगा सही तरीके से, मुझे तो काफी अच्छे दिखाई दे रहे। ओके, अभी दिख जाएगा आपको, थोड़ा सा नेटवर्क का वगैरह इशू आया तो उसका लेवल जो होता है मतलब जो क्वालिटी होता है कभी कभी कम ज्यादा होता है, क्योंकि कैमरा जो यूज किया मैंने वो हेवी यूज किया है, सो उसके वजह से कभी कभी कम ज्यादा हो सकता है वो। ठीक है, एनीवे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ज्यादातर आपको कहाँ इसके अंदर मिलता है, स्पॉन्जेस के अंदर या जिसको हम कहते हैं पोरीफेरा। मैं कुछ आपको चीजें बता देता हूँ, वो चीजें आप याद रखें जरूर। ओके, इसका जो बॉडी वॉल्स होता है सेलुलर लेवल का मतलब होता है इसके अंदर टिश्यू नहीं मिलेगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ क्या होगा तो ये एक सेल है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं आपको तो ये एक सेल है, समझ लो ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, ये पांचवा सेल है, तो ऐसा सेल एक दूसरे को अटैच हो गए तो इसको हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर सेल एक दूसरे को अटैच है तो इसको हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके, मतलब ये टिश्यू नहीं बनता है, ये लूजली अटैच होता है एक दूसरे को, मतलब टाइटली बाउंडेड नहीं होते
लूजली अटैच होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये बात आप जरूर याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये चीज। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होता है। तो ये जो मिलता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आपको दिखाई देता है। और इसका जो बॉडी वॉल होता है कंपोज ऑफ द टू लेयर्स। अब यहां से आप सारी चीजें एकदम सही तरीके से याद रखें। इसका जो बॉडी वॉल जो होता है, वो दो लेयर से बनता है। एक जो होता है, एक को हम कहते हैं आउटर जो होगा, सही तरीके से याद रखें इसको। जो बॉडी वॉल है या अगर आउटर होता है तो उसको हम कहते हैं पिनाकोडर्म कहते हैं। आउटर मोस्ट अगर होगा तो पिनाकोडर्म है, और अगर ये इनर मोस्ट अगर होता है तो इसको हम कोनोडर्म कहते हैं। ओके, दोनों भी याद रखें, कोनोडर्म और पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म कोनोडर्म। तो आपको क्वेश्चन आता है कभी कभी कि क्या है तो स्पॉन्जेस आर कवर्ड बाय द टू लेयर्स, वन इज द आउटर दैट इज द पिनाकोडर्म एंड द इनर दैट इज द ओके कौन सा तो कोनोडर्म। तो जो इनर होता है उसको कोनोडर्म कहते हैं, आउटर जो होता है उसको हम पिनाकोडर्म कहते हैं। तो ये बात आप जरूर याद रखें। सेकंड वन पॉइंट इसके अंदर ये जो वॉल्स है इसका काम क्या होता है देखते हैं। इट सेपरेटेड बाय अ जेलेटिनियस मैट्रिक्स कॉल्ड एज अ मेसोहाइल। ये काफी इंपॉर्टेंट, मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा। सो इतना मतलब टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। सो एक बात याद रखें, ये जो होते हैं आउटर पिनाकोडर्म और जो कोनोडर्म होते हैं, इनको जो सेपरेटेड करता है, सेपरेटेड बाय द जेलेटिनियस मैट्रिक्स कॉल्ड एज अ मेसोहाइल। ओके, तो ये मेसोहाइल जो होता है, समझो ये क्या है तो दो, अगर मैं बताता हूं ये आउटर, ये क्या है तो यस ऐसा है, आउटर है और ये इनर है। ओके, मतलब ऐसा है आउटर और इनर, तो इसके बीच में आपको ये मिल रहा है, तो ये जो होता है इसको हम मेसोहाइल्स कहते हैं। मैं इसका डिसेक्शन आपको बता दूंगा, इसका जो सेक्शंस लेकर मतलब बता दूंगा, मेरे पास सेक्शंस का डायग्राम है। ओके, सो नेक्स्ट वन पॉइंट जो आता है आपके पास में वो ये आता है, यस यहां पे आपको दिखाई देगा, चलो फटाफट, यस ओके खिलर देखो। अब यहां पे एक बात मैं बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसको कंफ्यूजन को किस तरह हटाना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन जो है आपके सबके लिए होता है। सो अब मैं सबके एक बार नाम आपको बता देता हूं। ओके ओके चलो देखिए, ये जो होता है अपर, ये देखो पूरा के पूरा स्पॉन्जेस है, आपको डायग्राम सही तरीके से दिखाई दे रहा है क्या? डायग्राम काफी अच्छा दिखाई देता है, डायग्राम अगर दिखाई दे रहा है, डायग्राम सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, सही बोला था। ओके, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ओके, याद रखें अगर आपको डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा है तो। ओके, इस साइड में अगर होता है तो मैं क्या करता हूँ, डायग्राम को निकाल देता हूँ। यस, बहुत सारे लोगों ने बोला कि डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। देखो एक बात बताता हूँ, डायग्राम की अगर आप बात करते हो, स्पॉन्जेस अगर आपको निकालना है तो लाइक दिस, ओके इस तरह के स्पॉन्जेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, और याद रखिए ये इस तरह का होता है, समझ लो आप जैसे घाघर्स होता है राइट ना, कुछ वेसल्स वगैरह होता है, इस तरह दिखाई देता है। देखो इसके अंदर आपको क्या होगा, तो इसके अंदर आपको दो लेयर्स मिल जाएगा, यस यहां पे कुछ लेयर्स आपको मिलता है। ओके, और इसके बिटवीन जो होता है, जो आउटर मोस्ट है मैंने आपको पहले ही बोला है, जो आउटर मोस्ट होता है उसको हमने नाम दिया था, देखिए यहां पे अगर आप देखते हो, आपको डायग्राम तो नहीं दिखाई हो रहा। ओके, जो इनर मोस्ट है याद रखे, जो आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है उसको हम क्वानोसाइट्स कहते हैं या कोनोडर्मा कहते हैं। तो इनर साइड जो होगा उसको हम नाम देंगे क्वानोडर्म, क्या नाम देंगे हम इसको, क्वानोडर्म देंगे। और जो आउटर मोस्ट होगा उसको हम बोलते हैं क्या है तो पिनाकोडर्म कहते हैं। ये आपको यहां पे दिखाई देगा, यस दैट इज द पिनाकोडर्म। सो इसको हम कहेंगे बाहर वाला जो है, देख लीजिए इसको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है क्या डायग्राम वगैरह, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है, चलो तो इसको हम कहते हैं यस, कौन सा ये हो गया आपका क्वानोडर्म, ये हो गया पिनाकोडर्म। सो इसमें याद रखें पिनाको, जस्ट मैं शॉर्ट में ही लिखता हूं उसको अभी, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं पिनाकोडर्म। अबे काफी इंपॉर्टेंट यहां पे देखिए,
अब अगर इसकी बात अगर मैं करूं तो इसके ऊपर जो होता है, इसके देखो इसके अंदर कुछ आपको मटेरियल्स फील होगा लाइक दिस, ये जो होता है इसके अंदर आपको कुछ मटेरियल्स मिल जाएगा, और ये जो मटेरियल्स होता है गाइस इसको याद रखें, ओके, इसके अंदर जो आपको मटेरियल फिलअप होगा, यस लाइक दिस, तो ये जो मटेरियल्स है गाइस इसको हम कहते हैं मिजोहाइल कहते हैं, जो मैंने आपको वर्ड बताया था मिजोहाइल्स, सो याद रखें इसको हम कहते हैं मिजोहाइल्स कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, मिजोहाइल्स कहते हैं, क्लियर। अब होता क्या है, तो इसके जो बॉडी होता है मैंने आपको पहले ही बोला है, तो इसके बॉडी के ऊपर क्या होता है, तो ये पोरस होता है बॉडी। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको स्पोर क्रिएट करके देता हूँ, ओके। तो इसका जो बॉडी होता है एक्चुअली पोरस होता है, कैसा होता है, पोरस होता है, ओके, यस। तो यहाँ पे आपको याद रखे ये जो बॉडी होता है पोरस होता है, इतने बड़े बड़े पोर्स नहीं होते, एक्चुअली छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बट आपको मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, तो सो याद रखना, ओके। थोड़ा सा कैसा है कि दिखना आपको सही तरीके से दिखता नहीं है, सो इस तरह का। तो ये जो पूरा बॉडीज होता है स्पॉन्जेस का क्या होता है, तो पोरस होता है, और इसका ऊपर वाला जो है ये जो होता है इसको हम बड़ा ओपनिंग है, याद रखिए ये माउथ का ओपनिंग है, ये बड़ा ओपनिंग है गाइज, तो इसको हम कहते हैं ऑस्कुलम, सबसे और ऐसा बोलते हैं ना ऑस्कुलम, ऐसा वर्ड यूज करते हैं, सो ये बात आप जरूर याद रखिए, इसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, जो सबसे अपर मोस्ट होता है, जो क्या है तो लार्जर ओपनिंग है, जिसको हम क्या है तो ऑस्कुलम कहते हैं, या उस लार्जर ओपनिंग को और एक नाम देते हैं हम, क्या नाम देते हैं, माउथ ऑफ द स्पॉन्जेस कहते हैं। तो याद रखें ऑस्कुलम इज आल्सो कॉल्ड एज अ माउथ, माउथ ऑफ स्पॉन्जेस के बोला जाता है, तो ऑस्कुलम जो होता है माउथ ऑफ स्पॉन्जेस होता है। दूसरी बात यहां पे आप जरूर याद रखें, ओके। दूसरी बात यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पोअर्स आपको दिया दिखाई दे रहे हैं, ये वाले छोटे छोटे जो स्पोअर्स हैं इसको हम कहते हैं ओस्टियम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओस्टियम। तो याद रखें जो छोटे छोटे आपको इसके ऊपर स्पोअर्स मिल रहे हैं जिसको हम ओस्टियम कहते हैं, ओस्टियम अलग होता है ऑस्कुलम अलग होता है, याद रखें। ऑस्कुलम की अगर मैं बात करूं तो जो लार्जर ओपनिंग्स मिलता है उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, और जो क्या है तो स्मॉलर ओपनिंग्स है उसको हम ओस्टियम कहते हैं। तो ये बात आप जरूर याद रखें, ओस्टियम क्या होता है और ऑस्कुलम क्या होता है। सो लार्जर ओपनिंग कॉल एज ऑस्कुलम एंड द स्मॉलर ओपनिंग, देखो पूरे बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे पोअर्स रहेंगे ना उस पोअर को हम कहते हैं ओस्टियम कहते हैं, और जो लार्जर ओपनिंग होता है जिसको हम क्या है तो ऑस्कुलम कहते हैं, या माउथ ऑफ ऑस्कुलम भी कहते हैं, या माउथ ऑफ क्या है तो स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तो इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर्स मिलता है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर पता है कि आपको क्या मिलता है, तो इसके अंदर कुछ क्या है तो कैविटीज होते हैं, और ये जो कैविटीज होते हैं इसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी कहते हैं। देखिए ये जो कैविटीज आपको मिल रहा है इसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, स्पॉन्जोसील इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्या है तो कैविटी ऑफ द स्पॉन्जेस, ठीक है। तो ये जो होता है कैविटी ऑफ द स्पॉन्जेस होता है, इसके अंदर क्या होता है फूड मटेरियल वगैरह स्टोर करने का काम करता है वो, क्लियर। तो यहाँ पे सारे लोग क्या मतलब सारे लोग ध्यान देते, यहाँ पे वो क्या करेगा तो फूड मटेरियल स्पॉन्जोसील जो होगा फूड मटेरियल वगैरह क्या करेगा तो स्टोर करेगा। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो याद रखें जो बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस होता है वो पोरस होता है, साथ में क्या है तो जो जो छोटे छोटे पोअर्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं ऑस्टियम कहते हैं, और जो लार्जर पोअर्स होता है एट द क्या है तो अपर मोस्ट साइड दैट इज कॉल्ड एज अ ऑस्कुलम कहते हैं। और इसके ऊपर दो लेयर्स रहते हैं, तीन लेयर एक्चुअली तीन लेयर्स होते हैं, एक जो होता है जो इंटरनल्स होता है उसको हम क्वानोसाइट्स कहते हैं, जो आउटर मोस्ट होता है उसको हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं, और जो ये है क्वानोसाइट और जो पिनेकोडर्म है तो उनके बिटवीन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं तो मिजोहाइल कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, मिजोहाइल कहते हैं। क्लियर आपको, सब लोगों को क्लियर है, तो काफी इंपॉर्टेंट है स्पॉन्जेस का ये स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो कैविटीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब होता क्या है तो इसका वो डायजेस्टिव सिस्टम वगैरह किस तरह करता है, हम उसके बारे में क्या करते हैं तो बात करते हैं, ठीक है। रब करो इसको, यस यस, अभी डायग्राम दिखेगा शायद, मुझे लगता है वो थोड़ा सा डायग्राम अलग दिख रहा था, ठीक है। देखो इसके अंदर सेंट्रल कैविटी आपको मिलता है, ओके। तो अभी हम बात करते हैं उसके बारे में, देखो इसको मैं अगर डिसेक्ट करता हूँ तो डिसेक्ट करने के बाद में आपका देखो आप इसको, ये आपको डायग्राम दिखेगा शायद मुझे लग रहा है, ओके। थोड़ा सा वो कलर कलर कॉम्बिनेशन की वजह से वगैरह दिखाई नहीं देता है तो, बट ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात अगर करूँ तो याद रखे ये पूरे डायग्राम में आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये चीज है, यस। इसका अगर मैंने टीएस सेक्शंस ले लिया है, यस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई देता, कोई बात नहीं मैं बता दूंगा आपको, ओके। सो याद रखे यहां पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है मैं उसको फिर से ड्रॉ करता हूं, ओके। याद रखे मैंने आपको अभी इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था लाइक दिस, ओके। अब मैं डायरेक्टली इसके ऊपर पोअर्स निकालता हूं, पोरस बॉडी है ये, ओके। और इसके अंदर सेंट्रल कैविटी निकाला था मैंने, है ना, ये कैविटी है सेंट्रल कैविटी उसको कहते हैं हम।
देखो इसके अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर पता है कि आपको कुछ स्पिकुल्स होते हैं। अब ये स्पिकुल्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। देखो इसका जो अगर इंटरनल पार्ट्स अगर मैं बात करूँ तो इसका जो इंटरनल पार्ट्स होता है लाइक दिस, जो इंटरनल पार्ट्स होता है इसके ऊपर आपको इस तरह के स्पिक्यूल्स मिलते हैं। कैसे बताता हूँ, यस लाइक दिस, इस तरह के एक क्या ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है इसके अंदर जिसको हम स्पिकुल्स कहते हैं। एक्चुअली ये जो स्पिकुल्स होता है विच इज मेड अप बाय द स्पॉन्जिन फाइबर, तो स्पॉन्जिन फाइबर से ये बनते हैं। तो याद रखें इसके इंटरनल पार्ट्स में आपको इस तरह के स्पिकुल्स मिल जाएंगे। तो ये जो स्पिकुल्स होता है जैसे कि ये इसके एक्सोस्केलेटन है, सॉरी क्या है, तो इंडोस्केलेटन है। जैसे कि आपको बताया कि हमारे बॉडी ऑर्गन जो होते हैं हम इसको स्केलेटल कहते हैं, वैसे इसके भी ये क्या होते हैं, तो स्पॉन्जिन फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो स्केलेटल्स होते हैं। ओके तो इस तरह का कंडीशन इसके अंदर आपको मिल जाएगा। स्पिकुल्स होगा, इपिडर्मल सेल्स वगैरह, पोअर्स वगैरह होगा, ये तो आपको पता है। इसको हम पोअर्स कहते हैं, इसके हम ये फाइबर्स होते हैं, तो इस फाइबर्स को हम कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर। ओके तो ये स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। ओके तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर मिलेगा। और मैंने तो आपको बता दिया था इसके अंदर दो लेयर्स होते हैं, दो सेल्स होते हैं, एक जो होता है क्वानोसाइट्स होता है, दूसरा जो होता है पिनेकोसाइट्स होता है। तो क्वानोसाइट जो होता है उससे क्या बनता है, तो क्वानोडर्मा बनता है, और पिनेकोसाइट से आपको क्या मिलेगा, तो पिनेकोडर्मा बनेगा। ठीक है तो ये बात आप जरूर याद रखें। ठीक है नेक्स्ट वन, यस अभी तो दिखाई दे रहा है ना, ओके क्या करता हूँ मैं बाद में, कल क्या करता हूँ थोड़ी नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उसमें मैं इसका थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। ठीक है हाँ, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ठीक है चलेगा। देखता हूँ मैं कौन सा कलर यहाँ पे शूट होता है वगैरह, तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा आपको, यस साक्षी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस बोलो जल्दी जल्दी साक्षी, प्लीज सेंड कर दो मुझे कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। जल्दी कलर चेंज करना पड़ेगा शायद, लग रहा है मुझे। ओके देखता हूँ मैं थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है चलो, तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा। ठीक है नेक्स्ट वन बात करते हैं। चलो इसके अंदर कुछ कैनल सिस्टम्स होता है, उस कैनल सिस्टम के बारे में बात करूंगा, कैनल सिस्टम कैसे होता है, क्या होता है। तो ठीक है चलो फटाफट याद रखें। देखो स्पॉन्जेस है वो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और द कैनल सिस्टम दैट कॉन्स्टेंटली क्या है, तो कंडक्ट द वाटर। देखो इसमें होता क्या है, तो ये जो है इसके अंदर जो कैनल सिस्टम होता है, देखो इसके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह इस तरह की चीज आपको नहीं मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको एक सिस्टम मिलता है जिसको हम कैनल सिस्टम कहते हैं, बट ये जो होता है इसको हम वाटर कैनल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, वाटर कैनल सिस्टम। तो हम इसमें बात करेंगे कि वाटर किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। तो स्पॉन्जेस है वो वाटर कैनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैनल सिस्टम दैट कॉन्स्टेंटली कंडक्ट द वाटर। तो ये वाटर क्या करता है, कॉन्स्टेंटली कंडक्ट कर लेता है, तो ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन थिंग्स हम बात करते हैं इसके अंदर, यस कुछ आपको डायग्राम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ओके चलो होता क्या है मैं आपको बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके सब लोग ध्यान दे दो, यस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें, वाटर इंटर थ्रू द, इस साइड में जाओ होता थोड़ा सा, वाटर इंटर थ्रू द क्या है, तो माइन्यूट स्पोर कॉल एज अ ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इन टू द सेंट्रल कैविटी कॉल एज अ स्पॉन्जोसील कहते हैं, फ्रॉम वियर इट गोज थ्रू द ऑस्कुलम। याद रखे कहाँ जाता है, तो ऑस्कुलम में जाता है। अब मैं आपको एक एक चीज करके क्या करता हूं, तो उसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है ओके, मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे का प्रॉब्लम है, शायद मुझे लगता है कैमरा सा, कैमरे का जो सेटिंग्स है वो चेंज हुआ चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर गया था और डायरेक्टली आकर मैंने शुरू कर दिया। ठीक है मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसमें कलरेशन जो है थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, यस दैट इज द स्पॉन्जस, आपको दिखाई देगा ये ऑस्कुलम है और इसके ऊपर ये स्पोअर्स है, यस ये पोअर्स है। ओके सो ये पोअर्स आपको मिलेगा इसके अंदर। ठीक है क्लियर हो गया, चलो
अब इसके पोअर्स के अंदर एक बात बताता हूँ, इसको जो है इसको हम कहते हैं ऑस्कुलम कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं, और ये जो होते हैं इसको हम ओस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? ओस्टिया कहते हैं, ठीक है। चलो अब ये जो अपर मोस्ट जो पार्ट है उसको ऑस्कुलम कहा जाता है, नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम ओस्टिया कहते हैं। अब होता क्या है, तो यहाँ पे अब ये देखो ये कहाँ होते हैं भैया, घर के ऊपर नहीं होते, तो ये कहाँ होते हैं, तो पानी में होते हैं, ठीक है। अब ये पानी में है समझ लो, तो पानी जो है वाटर मॉलिक्यूल जिसको हम H2O करते हैं, ये पानी इसके अंदर से इंटर होगा। अलवेज एंड अलवेज याद रखो, कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर इंटर्स थ्रू द ऑस्कुलम या द वाटर इंटर्स थ्रू द ओस्टियम, ठीक है, ये बात आप जरूर याद रखें। तो वाटर इंटर इनटू द स्पॉन्जेस कहाँ जाता है, तो थ्रू द ओस्टिया जाता है, याद रखें। अब होगा क्या, ये वाटर जैसे इंटर करेगा अंदर, तो अंदर पता है आपको क्या होगा, ये जो कैविटी है जिसको हम स्पॉन्जल स्पॉन्जोसिल कैविटी कहते हैं या सेंट्रल कैविटी कहते हैं, ये जो स्पॉन्जोसिल कैविटी होता है इसके अंदर वाटर जब जाएगा तो वाटर के साथ में कुछ फूड मटेरियल भी इंटर करेगा, ठीक है। जब इसके अंदर क्या होगा, तो वाटर जब इंटर करेगा तो याद रखें वाटर जैसे इसके अंदर इंटर हो जाएगा, ओके, तो ये बात आप जरूर याद रखें, वाटर इंटर होने के बाद में इसके अंदर कुछ जो फूड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो भी इंटर हो जाएगा थ्रू द ओस्टियम। अब इसके अंदर जो इंटरनल लेयर्स होता है उसके अंदर मैंने बोला था क्वानोसाइट्स क्वानोडर्म्स होता है, और जो क्वानोडर्म होते हैं क्वानोडर्म जो होते हैं वो किससे बनते हैं, तो क्वानोसाइट से बनते हैं, और जो क्वानोसाइट जो होता है क्वानोसाइट करेगा जो फूड मटेरियल आया हुआ है उसको ब्रेक डाउन करेगा, उसका ऑक्सीडेशन करेगा, उसका डाइजेशन करेगा, ठीक है। और इस तरह क्या होगा, तो उसको फूड मटेरियल वगैरह मिल जाएगा किसको, स्पॉन्जेस को, और जो रिमेनिंग मटेरियल्स होता है याद रखे, जो रिमेनिंग मटेरियल्स होता है वेस्ट मटेरियल्स होता है थ्रू द ऑस्कुलम क्या होगा, पानी के बाहर फेंका जाएगा, थ्रू द ऑस्कुलम क्या किया जाएगा, तो पानी के बाहर फेंका जाएगा। इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है किसका, स्पॉन्जेस का होता है। तो ये स्पॉन्जेस का काफी अच्छा स्ट्रक्चर होता है, ये बात आप जरूर याद रखें, ठीक है। चलो सेकेंड वन बात करता हूं मैं, देखो इसके अंदर क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर इज हेल्पफुल इन गैदरिंग द फूड, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ जो वाटर मैंने अभी जब जस्ट बताया थ्रू द ओस्टियम होता है, तो उसके अंदर एक फूड गैदरिंग उसके थ्रू एक फूड मटेरियल वगैरह अंदर इंटर होता है, और उसका भी डाइजेशन होगा इंटरनली, जिसको हम स्पॉन्जोसिल्स कहते हैं, क्वानोसाइट्स कहते हैं उसके अंदर। और साथ में क्या होगा, गैदरिंग द फूड दैट इज अ न्यूट्रिशन फिल्टर फीडर्स कहते हैं हम उसको, रिस्पिरेशन क्या है, तो रिस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस या जिसको हम रिस्पिरेशन कहते हैं, एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट दैट इज द एक्सक्रेशन। देखो इसमें होता क्या है, थ्रू द ओस्टियम क्या होता है, तो फूड मटेरियल वगैरह ऑक्सीजन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल वगैरह सब इंटर कर देता है, और जो स्पॉन्जोसिल कैविटी है उसके अंदर डाइजेशन वगैरह होगा, अच्छे से ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएगा, और जो रिमेनिंग मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल जो होगा जिसको हम एक्सक्रेशन कहते हैं, थ्रू द क्या है, तो ऑस्कुलम क्या होगा, तो बाहर फेंका जाएगा। जो मटेरियल इंटर जा रहा है थ्रू द ओस्टियम जा रहा है, बाहर जा रहा है थ्रू द ऑस्कुलम जा रहा है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन बात करता हूं मैं, न्यूट्रिशन मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन रहेगा इसका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा। होलोजोइक का मतलब होता है वो क्या है, तो होल ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करेगा, तो न्यूट्रिशन इसका इज होलोजोइक इन नेचर। डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर रहेगा, डाइजेशन कैसा रहेगा इसका, इंट्रा सेलुलर। अब इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है, याद रखे सेल मतलब सेल के अंदर हो जाएगा। देखो एक बात बताता हूं, अपने बारे में बता देता हूं मैं, ह्यूमन बींग के बारे में सुनो। आपने क्या कर दिया, खाना है आपके पास में, लड्डू है समझ लो, एक आधा लड्डू होगा, लड्डू खा लिया। अब ये जब लड्डू खा लेंगे तो आप पता है क्या, इसको पहले क्रश करेंगे है ना माउथ के अंदर, वो क्रश किया जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा, तो अंदर जाएगा आपके बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर जाने के बाद में स्मॉल क्या है, लार्ज स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, तो अब्सॉर्ब होगा। अब वो जब ब्लड के अंदर जाएगा तो ब्लड क्या करेगा, सेल के अंदर मतलब हर एक सेल को ऑक्सीजन जाएगा, तो हर एक सेल के पास चला जाएगा, तो सेल के अंदर जो फूड मटेरियल जाएगा सेल क्या करेगा, उसी फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करेगा उसके अंदर, मतलब सेल के अंदर। तो याद रखे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, यहाँ पे क्या होगा, जो स्पॉन्जोसिल कैविटी है उसके अंदर फूड मटेरियल जाएगा, और उसके बाद में वो क्वानोसाइट जो होता है क्या कर, डाइजेस्टिव सेल कहा जाता है क्वानोसाइट को, तो क्वानोसाइट जो होते हैं वो डाइजेस्टिव सेल बोल के काम करते हैं। तो क्वानोसाइट क्या होता है, जैसे वो क्वानोसाइट के अंदर जाएगा क्वानोसाइट क्या करेगा, तो उसको डाइजेस्ट करवाएगा, ठीक है, और अच्छे से क्या होगा, तो न्यूट्रिशन वगैरह काफी उसको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके क्लियर।
तो एक इस तरह का कंडीशन आपको मिल जाएगा। तो ओके थर्ड वन की बात करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल आर स्टोर्ड इन अ सेल कॉल्ड एज अ थिजो साइट्स। तो जो सेल के अंदर फूड मटेरियल रिजर्व किया जाता है, जो सेल के अंदर फूड मटेरियल स्टोर्ड किया जाता है, उसको हम कहते हैं थिजोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? थिजोसाइट्स कहते हैं। तो ये बात भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जब मैंने बोला था कि जो मटेरियल जब इंटर करेगा किसके अंदर? स्पॉन्जोसिल के अंदर। ओके मतलब जैसे थ्रू द ओस्टिया जब फूड मटेरियल जाएगा तो स्पॉन्जोसिल क्या करेगा सबसे पहले? ओके उसका ब्रेकडाउन करने के लिए वो किसके पास भेजेगा? तो कोनोसाइट के पास भेजेगा। और कोनोसाइट्स क्या करेंगे? उसको ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देगा। जो रिजर्व फूड मटेरियल्स है वो थिजोसाइट्स के फॉर्म में, थिजोसाइट के अंदर क्या होगा? स्टोर्ड होगा। बाकी जो वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है, जो रिमेनिंग मटेरियल है, वो क्या करेगा? थ्रू द ऑस्कुलम क्या किया जाएगा? बाहर फेंका जाएगा। ठीक है, तो एक इस तरह का एक इसका क्या है? तो डाइजेशन प्रोसेस है उसका। ठीक है, इसके अगर मैं बात करूं तो नर्व सेल के अगर इसके अंदर बात करूं, देखो सेंसरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। नर्व सेल एंड द सेंसरी सेल आर अब्सेंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अंदर नर्व सेल जो होते हैं और सेंसरी सेल, मतलब अगर आपको पता है कि मैंने अगर आपको हाथ लगाया या किसी को हाथ लगाया या अपने बॉडी के ऊपर कोई भी अगर सेंशन मतलब कुछ हुआ तो सेंशन होता है। ठंडा है आपको सेंशन होता है, ओके गर्म है तो क्या है? तो आपको वार्मनेस है तो आपको समझ में आता है मतलब। बट ये जो होते हैं इसके पास में ऐसे कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते, नर्व सेल्स नहीं होते हैं ये ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो दे डू नॉट शो मच कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सो उसकी वजह से क्या है? तो इसके अंदर वो सारी चीजें नहीं मिलता है। सो उसकी वजह से इसके अंदर क्या है? सेंसेशन पार्ट ही नहीं है। तो उसके अंदर क्या है? तो इन्वायरमेंट का और उसका कोऑर्डिनेशन कफ नहीं रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटल मेडअप ऑफ कैलकेरियस ऑफ द सिली क्या है? तो सिलिशियस स्पिकल्स और द स्पॉन्जिन फाइबर्स और द बोथ। मैंने आपको पहले ही बोला था ये जो फाइलम होता है, इस फाइलम की अगर मैं बात करूं तो इस फाइलम के अंदर मैंने आपको स्पॉन्जिन फाइबर्स बोला था, वो जो बनते हैं कैसे बनता है ये देखो। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटल, ओके तो उसके अंदर स्केलेटल होते हैं और वो जो स्केलेटल बनते हैं वो किससे बनते हैं? कैलकेरियस होते हैं या सिलिशियस स्पिकल्स होते हैं। आप देखो ये कैलकेरियस मतलब कैल्शियम से बने हुए हैं और सिलिका, सिलिसियस का मतलब होता है क्या? सिलिका से बने हुए। सिलिका मतलब आप जानते हो जिसको हम सिलिका को हम ये और भी एक वर्ड बोलते हैं, सिलिका मतलब क्या? तो जिसको हम रेती वगैरह बोलते हैं, ये आप वर्ड जानते हो, वालू रेती ये वर्ड जानते हो सिलिका। तो उससे क्या होता है? तो ये स्पिकुल्स वगैरह जो होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करता हूं मैं आपको। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, इसके अंदर सेक्सेस सेपरेटेड नहीं होते हैं। मतलब ये ऑर्गेनिज्म कैसे नहीं है? तो हर मतलब हमारे जैसे डायोसियस नहीं है, फीमेल सेक्स अलग मिलेगा मेल सेक्स अलग मिलेगा, ऐसा इनके अंदर नहीं है। ये जो होते हैं इसको हम हर्मियाप्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मियाप्रोडाइट। हर्मियाप्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हर्मियाप्रोडाइट का मतलब होता है मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स बोथ आर प्रेजेंट सिंगल ऑर्गेनिज्म। ओके एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको दोनों सेक्सेस मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं हर्मियाप्रोडाइट या इसको हम कहते हैं मोनोसियस ऑर्गेनिज्म। देखो एक बात बताता हूं, हम कैसे हैं? मोनोसियस है क्या? नहीं है, हम डायोसियस ऑर्गेनिज्म है। मींस दैट हम कैसे है कि हमें मेल जो मेल सेक्स जो होता है वो अलग होता है, फीमेल सेक्स जो होता है वो अलग मिलता है। आपको अलग अलग क्या मिलेगा? तो पर्सन मिलेगा, फीमेल पर्सन अलग मिलेगा, मेल पर्सन अलग मिलेगा। मींस दैट ओके बोथ सेक्सेस आर सेपरेटेड, मींस दैट दैट इज अ डायोसियस एनिमल। और जिसके जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होता है, मेल एज वेल एज द फीमेल, बोथ आर सेक्सेस प्रेजेंट इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोसियस ऑर्गेनिज्म, या उसको हम कहते हैं हर्मियाप्रोडाइट। क्या कहते हैं हम उसको? हर्मियाप्रोडाइट कहते हैं। ये पता है क्या? ये जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस ऑलमोस्ट हर्मियाप्रोडाइट होते हैं, मीन्स दैट इसके अंदर दोनों भी सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि सर फिर ह्यूमन बींग के अंदर अगर नहीं मिलता है क्या, तो आपको उसका कुछ चीजें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि टोटली कंप्लीटली नहीं मिलेगा। फाइव देखो ये देखो फाइव प्लस वन ओके। तो ये जो लोग होते हैं आपने इसमें देखा होगा, जो रेलवे स्टेशन वगैरह होता है या रेलवे में वगैरह वो जाते हैं, तो उनके अंदर उनका जो बॉडी कोऑर्डिनेट होता है मेल एज वेल एज द फीमेल टाइप होता है। ठीक है, वो होते मेल है बट दिखते फीमेल जैसे, तो उनके अंदर जो होता है तो बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोमल नंबर चेंज होने की वजह से होता है। एक्चुअली इसका जो रीजन है, जिसको 5 प्लस 1 बोलते हैं या उसको 7 माइनस 1 बोलते हैं, ठीक है आप समझ गए होंगे, आप लोगों को पता होगा 5 प्लस 1 ओके और 7 माइनस 1। ऐसे जो लोग होता है ओके जिसको हम ओके कुछ लोग उसको किन्नर वगैरह बोलते हैं। ठीक है, सो याद रखिए जो ये जो लोग होते हैं एक्चुअली
इन लोगों की अगर बात करो तो उनके अंदर बहुत सारे सक्सेस के कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, मेल एज वेल एज द फीमेल। तो ये जो होता है कैसा होता है, तो हर्मेप्रोडाइट होता है। ये जो होता है कैसा होता है, तो मोनोसियस ऑर्गेनिज्म होता है। बोथ सक्सेस आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर जो असेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन होता है, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट डज नॉट, क्या है तो फ्यूजर, ओके, नॉट फ्यूज्ड, ओके, इस तरह होता है फ्रेगमेंटेशन। और द बडिंग, जो आपको बडिंग के बारे में पता ही है, एक ऑर्गेनिज्म होगा, इसको के पास छोटा सा बड होगा, और यही बाद में क्या होता है, बड क्या होता है, थोड़ा सेपरेट हो जाता है, और ये सेपरेट होकर एक क्या होता है, तो सेपरेट ऑर्गेनिज्म क्या करता है, तो बनाता है। तो इसको हम कहते हैं बडिंग कहते हैं। तो इसके अंदर आपको बडिंग के थ्रू भी क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन वगैरह होता है, बडिंग फ्रेगमेंटेशन। ओके, इस तरह के डायग्राम्स आपको दिखाई देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। तो देखो, तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, वो उसके बॉडी के अंदर ही होता है। वो गैमेट्स भी क्या हो गए, फॉर्म हो गए उसके बॉडी के अंदर, उसके बॉडी के अंदर ही क्या होगा, तो वह ये होगा फर्टिलाइजेशन होगा। तो वो किस तरह होता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह मैं डिस्कस करूंगा। देखो आपको दो टाइप बताता हूं। अगर आपके बॉडी के अंदर अगर क्या हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओके, तो उसको हम कहते हैं कौन सा, देखो फ्रॉग की बात करता हूं मैं आपको, किसकी बात करता हूं, फ्रॉग। अगर फ्रॉग के बारे में अगर मैं बात करूं, तो फ्रॉग क्या करता है पता है आपको, दो एग्स होता, मतलब फ्रॉग, मेल फ्रॉग अलग मिलता है, फीमेल फ्रॉग अलग मिलता है, दोनों क्या करता है। आपको एक बात पता है क्या, अभी बारिश का मौसम है राइट ना, तो बारिश के मौसम में क्या होता है, तो जो फ्रॉग होते हैं ना, आवाज निकालते हैं, कैसा आवाज निकालते हैं, ट्राउ ट्राउ आवाज निकालते हैं। आप लोगों ने देखो, थोड़ा सा मेरा आवाज गला बैठ गया आज, सो उसकी वजह से, ओके, तो वो ट्राउ ट्राउ आवाज निकालते हैं। वो जो ट्राउ ट्राउ आवाज है ना, तो वो जो आवाज आपको साउंड जो निकलता है, वो मेल क्या है, तो फ्रॉग निकलता है। फीमेल फ्रॉग को साउंड नहीं निकाल सकता, ठीक है, याद रखना। फीमेल फ्रॉग का जो वोकल कॉर्ड होता है वो एब्सेंट होता है फीमेल के अंदर, जो मेल फ्रॉग होता है वही क्या करता है, साउंड क्या करता है, ये करता है, निकलता है, बिकॉज ऑफ टू अट्रैक्ट द फीमेल क्या है, तो फ्रॉग, ओके, मेल फ्रॉग क्या है, तो साउंड करता है, बिकॉज ऑफ क्या है, तो टू अट्रैक्ट द फीमेल क्या है, तो फ्रॉग। तो याद रखिए, वो जो फ्रॉग्स होते हैं क्या करते हैं, तो जो गैमेट्स होते हैं वो मेल गैमेट्स, ये क्या है, तो मेल गैमेट्स है, और ये फीमेल गैमेट्स है, ये क्या करते हैं, पानी में छोड़ते हैं, और ये पानी में छोड़ने के बाद में क्या है, तो फीमेल गैमेट जाकर मेल गैमेट को मिलते हैं, एंड देन द फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बट अगर इनसाइड द बॉडी होता है, तो बॉडी के अंदर अगर वो गैमेट्स क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा उसको। अब मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन अगर करूंगा, तो इसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग ध्यान दे दो, समझ लो, मैंने बोला है कि ये स्पॉन्जेस है, ये चंबू घाघर नहीं, ये स्पॉन्जेस है, याद रखना। क्या है, आप लोग बोलेंगे सर ये चंबू घाघर है क्या, तो ये चंबू घाघर बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है, तो आपका यस, तो ये क्या है आपका, ये बिल्कुल भी क्या है, चंबू घाघर नहीं है, ये क्या है, तो आपका स्पॉन्ज है। सो याद रखे, इसके अंदर क्या है, तो ये कैसा होता है, तो अगर मैं बात करूं अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ मेल सेक्स ऑर्गन हो गए, मेल सेक्स ऑर्गन, और इसके अंदर क्या होगा, कुछ फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गए। तो मेल सेक्स ऑर्गन और द फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे, वो क्या करेगा, तो सेक्सेस रिलीज कर देंगे। अब जो गैमेट्स है वो गैमेट्स रिलीज हो जाएगा, और इसके अंदर से भी क्या होगा, ये गैमेट्स रिलीज हो जाएगा, ये गैमेट, दोनों गैमेट्स आकर क्या हो गए, फ्यूज हो गए, और जैसे ही वो फ्यूज हो जाते हैं, देन द क्या है, तो फर्टिलाइजेशन होकर, आसान है। ओके ओके, दिशा आगे क्या रहे सब लोग, ओके चलो, दिशा बिशा आपके लेक्चर्स का नेक्स्ट वन आपके शुरू करने वाला, कल से लेक्चर आपके शुरू हो जाएगा, ठीक है, सारे के सारे। चलो, तो ये इस तरह का कंडीशंस आपको इसके अंदर मिलता है, क्लियर हो गया, यस। तो दैट इज अबाउट द दिस। तो एक मतलब और क्या है, ऑर्गेनिज्म के अगर इंटरनल अगर हो रहा है, तो जिसको हम कहते हैं क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर पानी में हो रहा है, आउटसाइड द आउटसाइड इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, यस, इन्वायरमेंट के मतलब आउटसाइड द बॉडी अगर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनसाइड द बॉडी अगर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट के बारे में। देखो, फर्टिलाइजेशन जो होगा इंटरनल होगा, इसके अंदर क्लीवेज जो होगा वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, डेवलपमेंट जो होगा इसके अंदर कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। थर्ड वन क्या है, तो थिंग इसके अंदर लार्वल स्टेज की बात अगर मैं करता हूं, तो इसके अंदर लार्वल स्टेज होते हैं, तो इसके अंदर जो लार्वल स्टेज होते हैं वो होता है पैरेन्काइमुला होता है, इसका अंदर याद रखें। दो स्टेज बताता हूं मैं, जैसे बच्चा बॉर्न हुआ, तो जो बॉर्न होने के बाद में जो स्टेज होता है उसको हम लार्वल स्टेज कहते हैं, ओके, बट इनकेस ऑफ द ह्यूमन बींग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अपने पास में डायरेक्ट बेबी, बेबी से डायरेक्ट चाइल्ड, चाइल्ड से डायरेक्टली एडल्ट, ओके।
बट इन केस ऑफ द दिस ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर जो प्राइमरी पोजिशन में जो बेबीज होते हैं उसको हम लार्वा कहते हैं, और ये जो लार्वल स्टेज होता है वो लार्वा कौन सा फॉर्म में होता है, कौन सा लार्वा होता है, जिसको हम कहते हैं पैरेनकाइमुला। ओके, क्या है तो पैरेनकाइमुला लार्वा, आपको इस तरह का उसका स्ट्रक्चर दिखता है कुछ। मतलब आप बोल रहे हो कि सर डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा, तो ठीक है कोई बात नहीं है, मैं इसका सेटिंग वगैरह बाद में चेंज कर लूंगा, ठीक है। चलो हो गया, तो इसके अंदर आपको पैरेनकाइमुला वगैरह दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो लार्वा होता है जिसको हम पैरेनकाइमुला लार्वा कहते हैं, ठीक है। आगे बात याद रखे, इसके अंदर और भी आपको कुछ मिलेगा, ट्राइका मेला भी मिला जाता है। तो ये ट्राइका मेला जो है ये क्या है, तो अगेन लार्वा है, सेकंड वन लार्वा है। तो ये दो फॉर्म में आपको मिलता है, पैरेनकाइमुला और द ट्राइकोमेला। तो ये दो दो टाइप में लार्वल आपको स्टेज उसके अंदर मिलता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, एम्फीब्लास्टुला स्टेज भी आपको मिल इसके अंदर मिलता है। तो एम्फीब्लास्टुला स्टेज भी होता है, तो ये बात आप जरूर याद रखें। कौन कौन सा मैंने बोला है, लार्वल स्टेज इसके अंदर क्या क्या मिलता है, तो पैरेनकाइमुला मिलता है कुछ पॉन्जेस के अंदर, कुछ पॉन्जेस के अंदर ट्राइकोमेला ट्राइकेमेला मिलता है, कुछ पॉन्जेस के अंदर एम्फीब्लास्टुला भी मिलता है। तो ये सारे लार्वल स्टेज है जो कि मिलते हैं। सेकंड वन पॉइंट की बात करते हैं, पावर ऑफ रीजनरेशन। आपको एक बात बता दूं, समझ लो आपके पास में क्या है, तो लिजार्ड है। आप लिजार्ड के बारे में जानते हो, है ना, लिजार्ड आपको पता है ना। सो ये जो लिजार्ड होता है, उस लिजार्ड की मैं बात करता हूँ, तो लिजार्ड अगर आपके पास में, तो आप अगर लिजार्ड का अगर जो पूछ होता है, अगर आपने कट कर दिया, लिजार्ड का अगर एक पूछ होता है अगर आपने कट कर दिया, तो आपको एक बात पता है क्या, लिजार्ड का पूछ बाद में कुछ दिन के बाद में फिर से रिजनरेट हो जाता है। क्लियर है ना, फिर से क्या होता है, तो रिजनरेट होता है। अगर वो फिर से रिजनरेट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं रीजनरेशन पावर। तो उसके वो जो पूछ होता है उसके अंदर कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ क्या है, तो रीजनरेशन पावर होता है। सेम हियर, आप ये जो स्पॉन्जेस होता है उसके अंदर भी क्या होता है, तो रीजनरेशन पावर होता है, एंड इट इज वेल डेवलप्ड होता है। और ये कैसा होता है, तो वेल डेवलप्ड रीजनरेटिंग पावर होता है। ये भी बात आप जरूर याद रखें, ठीक है। ओके, देखिए नेक्स्ट वन पावर पॉइंट, तो बेस्ड ऑन द स्केलेटल फॉर्मेशन द फाइलम पोरीफेरा इज क्लासिफाइड इन थ्री क्लास। ये जो पार्ट है आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो जब बेस्ड ऑन स्केलेटल फॉर्मेशन जो है, फाइलम पोरीफेरा जो है, क्लासिफाइड हुआ है कितने पार्ट्स में, थ्री क्लासेस में क्लासिफाइड हुआ है। तो आपको बता देता हूँ किसका क्लास, मतलब ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया अभी तक, जो मैंने बताया था एनसीईआरटी के अंदर था, बट जो मैंने आपको बताया कि ये तीन पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया है, जस्ट आप एज अ नॉलेज के लिए आपको इसको याद रख सकते हो, ठीक है। कैल्केरिया कहते हैं हेक्जेक्टिनेला, कहते हैं हेक्जेक्टिनेला टेनिलिडा, और साथ में डेमोस्पॉन्जी। ओके, तो आपको तीन मिलते हैं, पहला वाला कैल्केरिया, दूसरा वाला हेक्जेक्टिनेलिडा, ओके, और डेस्मो क्या है, तो डेमोस्पॉन्जिया। ओके, तो डेमोस्पॉन्जिया, हेक्जेक्टिनेलिडा और द कैल्केरिया। ओके, ऐसे तीन आपको क्या मिलते हैं, तो क्लासिफिकेशन मिलते हैं। मैं आपको शॉर्ट में इसको क्या करता हूँ, तो फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। दे लाइव इन अ शालो और मरीन वाटर्स, अगेन ये दे लाइव इन अ डिफर पार्ट ऑफ द सी। ओके, एंड दे लाइव इन बोथ द मरीन एंड द फ्रेश वाटर। देखो ये जो आपको मिलता है वन डी क्या है, तो मरीन वाटर में मिलता है। ओके, ये जो होता है डीपर पार्ट ऑफ द सी, मतलब क्या है, तो डीप सी के अंदर मिलता है, और ये जो होते हैं आपको मरीन वाटर एज वेल एज द फ्रेश वाटर में मिलते हैं। सेकंड वन थिंग, दे आर द सॉलिटरी और कॉलोनियल होते हैं। देखो सॉलिटरी के मतलब और कॉलोनियल का मतलब क्या है, सॉलिटरी का मतलब होता है वो अकेले रहते हैं, ओके, क्या है, तो लोनली रहते हैं, और द कॉलोनियल की अगर मैं बात करूँ, तो कॉलोनियल मतलब क्या है, तो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। तो कॉलोनियल और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, सॉलिटरी, तो ये खुद सेपरेट भी रहते हैं और कॉलोनी में भी रहते हैं। ये जो होते हैं दे आर द सॉलिटरी, मतलब सेपरेट रहना पसंद करते हैं, ये अकेला अकेला, दे आर द कॉलोनियल, और ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में आपको रहते हैं। बॉडी जो होता है, बॉडी स्ट्रक्चर इज सिंपल, इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है एकदम सिंपल होता है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है इज कॉम्प्लेक्स होता है, और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये कुछ आप उसके क्या कहते हैं, कुछ ये था कैरेक्टरिस्टिक थे तीनों, ये जो है स्पॉन्जेज जो है इसके अंदर तीन क्लासेस मिलते हैं, कैल्केरिया, हेक्जेक्टिनेलिडिया एंड द डेस्मोपोन्जिया। ओके, तो डेस्मोपोन्जिया जो होती है, सारे के सारे क्लासेस है, इसके बारे में आप याद रखो, लगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपके पास में नहीं है तो, ठीक है, हो गया। चलो सेकंड वन थिंग, जिसके अंदर और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इसके, यस, इसके अंदर जो स्पिकुल्स बनते हैं, जो स्पिकुल्स होते हैं विच इज मेड अप बाय द कैल्केरियस से बनते हैं, और इसके अंदर जो होता है एग्जेक्टिनेला जो होता है इससे सिलिका से बनते हैं, सिलिका से बनते हैं, इसके अंदर कैल्केरियस से बनते हैं स्पिकुल्स, और जो स्केलेटल्स होते हैं इसके अंदर सिलिका से ही बनते हैं, साथ साथ में क्या है, तो यस स्केलेटल इसमें, हाँ, स्पॉन्जिन फाइबर से भी बनते हैं, याद रखे स्पॉन्जिन फाइबर साथ साथ में सिलिका, दोनों भी याद रखना जरूरी है।
और एक बात, स्पिकुल्स आर मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, इस यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से होते हैं। ओके, और साथ में इसके अंदर अब सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है इससे बनेगा, और इसके अंदर भी सिलिकॉन ऑक्साइड्स डाइऑक्साइड जो होते हैं ये गैसेस एक्सचेंज में करने में क्या होते हैं तो यूज हो जाता है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करता हूँ। कैलकेरियस, एग्जैक्टिनिलिडा एंड डेस्मोपोंजिया एग्जाम्पल्स है। इन ये एग्जाम्पल्स आप याद रखो, आपके लिए मतलब काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, स्टारफिश बेटा इसमें नहीं आएगा। हाँ, स्टारफिश की अगर आप बात कर रहे हो तो स्टारफिश का दूसरा फाइलम आता है शायद। ओके, उसके अंदर रेडियल सिमेट्री वगैरह मिलता है, मैं बता दूंगा आपको। स्टारफिश नहीं, वेनस फ्लावर वगैरह आपको मिलता है। ओके, मैं बता दूंगा आपको। ओके, स्टारफिश नेक्स्ट में फाइलम में आ जाएगा, शायद इसमें नहीं आएगा। ठीक है, सो कैल्केरिया जो है, एग्जैक्टिनिलिडा जो है, डेस्मोपोंजिया, इसके एग्जाम्पल देखो, साइकॉन इसका एग्जाम्पल्स आता है, ल्यूकोसोलिनिया आता है और ग्रेंसिया आता है। ओके, ये तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स है। यूप्लेक्टिडा ये भी आता है इसका, इसको जेनस वेनस फ्लावर या फ्लावर बास्केट कहा जाता है। देखो फ्लावर बास्केट कहा जाता है, आपको पता है क्या शादी में वेनस फ्लावर बास्केट, आपको पता है कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, सो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज में आपने देखा होगा वेनस फ्लावर, उसको हम कहते हैं यूरोपियन कंट्री में, क्या पता है कि एक बुके दिया जाता है शादी में, पता है कि आपको शादी होती है जब उस टाइम में, तो एक बुके दिया जाता है, क्रिश्चियन में दिया जाता है। देखो तो वो जो होता है उस तरह का ये दिखता है, कौन सा, यूप्लेक्टिला। ओके, तो यूप्लेक्टिला जो होता है उस टाइप का दिखता है, इसलिए हम इसको वेनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। ठीक है, याद रखें। और दूसरा आता है हाइलोनेमा जो आता है, ये एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखें, ये एग्जाम्पल्स आप जस्ट पता होना चाहिए इसलिए मतलब। ओके, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, जो भी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ एनसीईआरटी के, तो मैं उसका निमोनिक्स आपको दे दूंगा। और जिसको ग्लास कहते हैं या रोप स्पॉन्ज कहते हैं। ओके, और लास्ट वन याद रखें, इसके अंदर स्पॉन्जिला मिलता है जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है, यू स्पॉन्जिया मिलता है जो कि बाथ स्पॉन्ज में यूज किया जाता है। ओके, बाथ स्पॉन्ज का मतलब क्या होता है ये बात याद रखें। बाथ स्पॉन्ज मतलब पता है क्या, कुछ जो स्पॉन्जेस होते हैं वो पता है क्या, हम क्या करते हैं तो बाथ करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक ब्रश होता है ना बॉडी साफ करने के लिए, ब्रश होता है, वैसे यहाँ पे बाथ स्पॉन्जेस होते हैं जिसका यूज हम बॉडी साफ करने के लिए भी करते हैं। कैलिना जो होता है डेड मैन फिंगर क्या है, तो फिंगर्स कहा जाता है, कैलिना जो होता है डेड मैन फिंगर भी कहा जाता है, तो कैलिना भी आपको इसके अंदर मिलता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा वो याद रखें। ओके, सारे लोग ध्यान दे दो, कुछ आपके ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यस, सारे लोग देखो, एनसीईआरटी अगर आपके पास में है, हाँ, स्टारफिश के अंदर रिजनरेशन पावर रहता है। अब वो दूसरे फाइलम भी है कि जिनके अंदर रिजनरेशन पावर रहता है। ओके, स्टारफिश के अंदर भी रिजनरेशन पावर होता है, बट ये मुझे वो लगता है इसमें नहीं आता है वो। ठीक है, ये बताने जा रहा हूँ। सो इसका जो ये है पासवर्ड है वो याद रखे, निमोनिक जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी का बुक आपके पास में है तो एनसीईआरटी का बुक निकाले, वहां पे एक निमोनिक्स लेगा ये लीजिए, उसी निमोनिक्स के बेसिस पे हमें लिखना है। तो पोअर्स ऑल योर साइड, देखो क्या मैंने बोला है, हाँ, पोअर्स ऑल योर साइड, देखिए क्या बोला है, पोअर्स ऑल योर साइड, योर साइड। ठीक है, ये निमोनिक्स है आपके एनसीईआरटी का। देखो मैंने बात की आपको, आपको जो क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स याद रखना है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का रखना है, बिकॉज अब उसी के ऊपर क्वेश्चंस आता है, पोअर्स ऑल योर साइड। ओके, तो ये आपके लिए स्टेटमेंट है, तो ये किस तरह याद करना है उसको। यस, तो इसका जो पहली बात मैं बताऊंगा कि पोअर का बात करता हूं, क्या है, तो पोअर की बात किया, तो पोअर जिसको होते हैं उसको हम पोरीफेरा कहते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए, जिसका एग्जाम्पल है वो भी आपको याद रखना है। तो क्या है, तो पोरीफेरा ये आ गया, यस, पोरीफेरा आ गया। दूसरी बात करते, ऑल की बात करते, तो ऑल में याद रखें, राइट ना, पोअर्स ऑल योर साइड, पोरीफेरा, यस, और उसको स्पॉन्जिला भी कहते हैं। ओके, पोअर्स ऑल योर साइड, देखो ऑल की मैंने बात किया है, पहला पोअर्स की अगर मैं बात करूंगा तो क्या है, तो पोरीफेरा, पी फॉर पोरी, पोरीफेरा। ठीक है, पोअर्स पोरीफेरा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो वो आता है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। अब यहां पे याद रखे, ये जो ऑल है लास्ट वाला जो ऑल है स्पॉन्जिला,
कौन सा आता है? स्पॉन्जिला। देखो ये कब, जब एनसीईआरटी जब एग्जाम में आता है ना तो याद नहीं रहता है। ओके तो ये डबल क्या है, डबल एल ये ऑल स्पॉन्जिला। ओके तो ऑल के लिए स्पॉन्जिला। सेकंड वन यूएस की बात करें तो यू 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 एनसीईआरटी में देखो यू यू करके यू यू स्पॉन्जिला है, यू स्पॉन्जिला एनसीईआरटी में देखो यू स्पॉन्जिला है। और साइड की मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वन जो आता है साइड का, तो इसका एग्जांपल आता है साइड यानी क्या है, तो साइकॉन है। क्या है? तो साइकॉन से। तो याद रखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है, पोअर्स पोरिफेरा ऑल क्या है, तो स्पॉन्जिला ला ऑल ला आ गया, यूवर्स यू स्पॉन्जिया एट द साइड क्या है, तो साइकॉन से। तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है। ओके ओके मैं कल क्या करता हूँ उसका देखता हूँ कैमरे का सेटिंग का एक बार, ठीक है, क्योंकि वो नहीं दिखाई दे रहा था सही तरीके से, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ओके चलो गाइज, अगर ये होता है आपका तो खत्म होता है, तो अभी हम बात करते हैं। चलो कुछ एमसीक्यू है, एमसीक्यू मैं आपको बता देता हूँ, चार पांच एमसीक्यू होता है, हर हर टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू तो आपको मिल जाएगा। ठीक है इसको रफ कर देता हूँ। पोअर्स ऑल यूवर्स साइड पोअर्स फॉर द पोरिफेरा ऑल फॉर द स्पॉन्जिला और यूवर्स फॉर द यू स्पॉन्जिला एंड द साइड फॉर द साइकॉन्स। ठीक है क्लियर। चलो जो पहला एमसीक्यू आता है आपका, द टर्म पोरिफेरा इज कॉइंड बाय, द पोरिफेरा टर्म इस किसने दिया, मैंने आपको पहले बताया था ये जो टर्म है एक्चुअली याद रखें, रॉबर्ट ग्रैंड ने दिया, लुइस पाश्चर ने दिया, एडवर्ड जेनर ने दिया, या तो रॉबर्ट हुक ने दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको बताना जरूरी है। तो याद रखिए, बोलिए मुझे फटाफट बोलिए, द टर्म पोरिफेरा वाज कॉइंड बाय। तो ये आंसर क्या, अगर मैं बात करूंगा तो आपको डायरेक्टली आंसर बता दूंगा, आप रिप्लाई नहीं देते हो, मतलब थोड़ा सा लेट रिप्लाई आता है आपके साइड से, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ तो इसको बोल देता हूँ। तो देखिए रॉबर्ट ग्रैंड की मैं बात करूँ तो रॉबर्ट ग्रैंड जो है इसने क्या किया था, ये टर्म कॉइन किया था, मैंने आपको पहले बोला था कि रॉबर्ट ग्रैंड जो है इसने क्या किया था, फर्स्ट इस्टेब्लिशन ऑफ द फाइलम पोरिफेरा का किया था। तो सो याद रखिए ये जो टर्म पोरिफेरा है इट वॉज गिवन बाय द रॉबर्ट ग्रैंड। ओके चलो नेक्स्ट वन जो पॉइंट की मैं बात करूँ आपको, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन स्पॉन्जेस इज, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन स्पॉन्जेस इज, नंबर वन फोटोट्रॉफिक होता है, कीमोट्रॉफिक होता है, ये होलोजोइक होता है, एंड द थर्ड वन सैप्रोफाइटिक होता है, सॉरी सैप्रोजोइक होता है। तो आपको पता होगा फोटो ट्रॉपिक का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ द लाइट और सनलाइट, सनलाइट और द क्लोरोफिल के फॉर्म में। ओके या तो फोटोसिंथेसिस की बात कर रही है। कीमोऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कुछ जो ये होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसका ब्रेक डाउन करके, जो नाइट्राइट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है। या तो होलोजाइक के मतलब क्या है, तो डायरेक्टली जो फूड मटेरियल्स आता है उसको खाकर वो क्या करता है, तो एनर्जी क्रिएट करता है। या तो सैप्रोजोइक का मतलब क्या है, तो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, एक्चुअली आंसर जो आता है होलोजाइक आता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। तो ये जो होते हैं होलोजाइक होते हैं, ये बात जरूर याद रखें। थर्ड वन जो पॉइंट आता है इसके अंदर याद रखें, इन द क्लास कैलकेरिया, अभी जो मैंने क्लास आपको पढ़ाया था उसकी बात कर रहे हैं, स्पिकुल्स आर मेड अप ऑफ, कैल्केरिया जो होता है उसके अंदर स्पिकुल्स किससे बनता है, सिलिसियस से बनते हैं, कैल्सियम कैल्केरियस से बनते हैं, और स्पॉन्जिल फाइबर से बनते हैं या लिग्निन से बनते हैं। काफी मतलब आसान है, आराम से कोई भी इसका आंसर देगा, नाम में भगवान है। ओके तो बोलने की जरूरत नहीं है, तो आंसर आपको पता होना चाहिए, कैल्केरिया कैल्केरियस। ओके सिंपल है। चलो नेक्स्ट वन पॉइंट की बात करता हूं मैं आपको, फोर्थ वन एग्जाम्पल फॉर क्लास क्या है, तो डेमोस्पॉन्जिया, तो डेमोस्पॉन्जिया का एग्जाम्पल आपको बताना है। तो क्या आता है, हेलोनेमा आता है, ग्रैंसिया आता है, यूस्पॉन्जिया आता है, एंड द साइकोन आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेमोस्पॉन्जिया जो होता है इसका एग्जाम्पल इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से आप बता सकते हो, यूस्पॉन्जिया दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्या है, तो डेमोस्पॉन्जिया। ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इसके बेसिस पे। ठीक है तो बाकी जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट वन लेक्चर में, ऑलमोस्ट आपका लेक्चर्स वगैरह खत्म हो जाता है। हाँ साक्षी मैंने क्या किया था, ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया इसलिए मैंने जल्दी जल्दी डायरेक्टली मैंने ही बता दिया। नेक्स्ट वन इसमें मैं आपको जरूर एमसीक्यू के सेशंस हो गए आपके, जब कुछ एमसीक्यू के सेशंस वगैरह हो गए तो उस टाइम में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चलो बाय, ऑलमोस्ट आपको लेट हो गया बहुत ज़्यादा है ना, यस राइट, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो मुझे। ओके वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ओके चलो बाय।